लो जी भाई लोग, टीम इंडिया T20 सीरीज के लिए, मतलब उनकी जो T20 इंटरनेशनल्स की टीम है, आपको पता है पाले के लिए पहुंच गई है, कोलंबो पहुंचे, वहां से ट्रेन पकड़ी या जो भी, जिस भी तरीके से गए, बेशक पैदल ही चले गए हों, चलो उनके लिए तो एक्सरसाइज ही है ना। वो अब प्रैक्टिस सेशन उनके चल रहे हैं और गौतम गंभीर का ना एज ए हेड कोच, वो प्रैक्टिस सेशंस में जो इम्प्रेशन नज़र आया है ना, वो ये बताता है कि गुरु टीम इंडिया में काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, यहाँ की चेंजेस आने वाले हैं। अब यहाँ की चेंजेस क्या, मतलब भेजा फ्राई कर देगा सबका, भेजे उड़ा कर रख देगा, नहीं, वो यहाँ से अप्रोच चेंज करने वाला है। और मैं बैठा ये सोच रहा हूँ कि कमबख्त अभी उनकी इतनी अग्रेसिव अप्रोच है तो इसको अल्ट्रा एग्रेसिव करना है गौतम गंभीर ने, क्योंकि वो यही काम कर रहा है। गौतम गंभीर ने भाई साहब वो जो विकटें नहीं लगी होती, ये प्रैक्टिस सेशन में विकटें लगी होती हैं, उसने 3 विकटें लगवाई हैं बैट्समैन के पीछे, एक उसने पकड़ी हुई है हाथ में, ठीक है, एक उसने लगवा दी होगी बॉलिंग एंड पे और उसने कहा करो, और जो उसके हाथ में विकेट है ना वो दी हुई है उसने इंडियन बैटर्स को। जो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना जर्नलिस्ट, वो ये बताते हैं कि भाई साहब हर नेट्स में जो बैटर आ रहा था ना वो अग्रेसिव शॉट खेल रहा था, कोई डिफेंसिव शॉट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, डिफेंसिव शॉट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खत्म, खली बली, गायब। गौतम गंभीर कह रहा है कि मुझे चाहिए अग्रेसिव बैटिंग, तुम अग्रेसिव कर रहे थे ना पहले 70% के ऊपर, अब मुझे चाहिए 100%, तुम 100 पर कर रहे थे, अब मुझे 200% चाहिए। वो इस लेवल पर इन बैटर्स के पीछे पड़ गया कि मुझे हर हाल में तुम सबसे अग्रेसिव बैटिंग चाहिए। अच्छा, गौतम गंभीर खुद भी अग्रेसिव किस्म का बैटर तो था, ठीक है, इतना ज़्यादा तो नहीं था, मतलब बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आप नहीं कह सकते जैसे वीरेंद्र सहवाग टाइप, लेकिन अग्रेसिव था वो। अब चूंकि मॉडर्न डे T20 इंटरनेशनल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, अब अग्रेसिव बैटिंग आपको चाहिए होती है, अब आप वो जिसे कहते हैं लंबी बारी एंड ऑल दैट स्टफ़ वो आप कोई नहीं करते, तो गौतम गंभीर अब ये जो इंडियन बैटिंग लॉट है ना इसको अल्ट्रा अग्रेसिव कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ नेट्स में बैटर ने, किसी बैटर ने, और कितने बड़े बड़े नाम है, स्काई है, रिंकू है, पंत है, हार्दिक है, यू नेम इट, कोई डिफेंसिव शॉट वाला कॉन्सेप्ट नहीं, भाई जाओ मारो। अच्छा, हर बैटर के साथ वो कन्वर्सेशन में था, हर बैटर के साथ। मैंने बताया था ना गौतम गंभीर का जो इरा होगा वो देखने से ताल्लुक रखता होगा। मज़े की बात यह है यार, मुझे वो क्या जोगिंदर नाम था ना उस बॉलर का जिसने मिसबा की विकेट ली थी यार 2007 के T20 के फाइनल में, जोगिंदर नाम था, क्या नाम था, जो बाद में पुलिस में चला गया था, उसका भी मैंने रिसेंटली एक क्लिप देखा यार, आप यकीन करें उसने एग्जैक्टली वही बात किया जो मैंने आप लोगों से काफ़ी अर्सा पहले की थी। आपको याद होगा मैंने कहा था कि भाई साहब यहाँ तो गौतम गंभीर अपना टेन्योर पूरा कर गया ना, तो ये टीम इंडिया आपको, ये वाली टीम इंडिया 2024 वाली नहीं दिखने वाली, या 2024 से पहले वाली, वो टीम इंडिया बिल्कुल ही और होगी, या ये बंदा अपना टेन्योर नहीं कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि ये जिस किस्म का माइंडसेट का बंदा है, ये जिस किस्म की इसकी तबीयत है, इस बंदे को चलना टीम इंडिया के सब्र का, जिसे कहते हैं भाईजान, इम्तिहान होने वाला है। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, ये जो लड़के हैं ना टीम इंडिया के, ये इनके पेशेंस का सही, जिसे कहते हैं मानव में जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट का नाम है गौतम गंभीर। अच्छा, मैंने हर बैटर से उसने बात की, हर बैटर से, हर बैटर के साथ उसने नेट्स के अंदर टाइम लगाया गौतम गंभीर ने, उनसे बात की है, कैजुअल अप्रोच, कॉशियस अप्रोच, उसने कहा है भाड़ में जाओ, कुछ कोई कैजुअल कोई कॉशियस अप्रोच मुझे नहीं चाहिए। और गौतम गंभीर जिस किस्म का बंदा है ना, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, उसने ये नहीं कहा होगा डंडा देकर, जैसे नाम नहीं लेता लेकिन आपको पता चल ही जाएगा, एक्टर मशहूर है वो, हमारी टीम के ही हैं प्लेयर पाकिस्तान के, सरकार खुद अपनी बैटिंग में उनसे कुछ होता नहीं, PSL में अपनी टीम को डंडा दे के रखा हुआ था सरकार ने, और हुक्म इरशाद फरमाया हुआ था मुझे हर ओवर में एक चौका चाहिए। हर ओवर में एक चौका आप तब डिमांड करें जब आप हर ओवर में एक चौका मारने की कैपेसिटी रखते हो। आप बस छोड़े नाम रहने दें यार, आप खुद तो वो काम कर नहीं सकते तो दूसरों को क्यों कह रहे हैं। गौतम गंभीर अब ये कह रहे हैं ना कि तुम लोग मारो, फिक्र ना करो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हर लड़के को जाकर कहेगा तुमने अपनी जगह की फिक्र नहीं करनी, मैं तुम्हारी पीछे खड़ा हूँ, मैं तुम्हें बैक करूँगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, उस तरह खेलो जिस तरह मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ, ये एश्योरेंस देगा और ये लड़ेगा,
ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, गौतम गंभीर लड़ेगा अपने प्लेयर्स के लिए, स्टैंड ले जाएगा, खड़ा हो जाएगा। वो बहुत भाई, वो बड़ा नर टाइप का आदमी है, ठीक है ना, और जिसकी जिसके जिस हिसाब से तारीफ है ना, उस हिसाब से करनी चाहिए। जो साफ सी बात है, मेरा यहाँ पर आपको पता है मैं बड़ा अनबायस्ड किस्म का रहता हूँ, जो कि मेरे पे बड़े ताने की किस्म के चलते हैं, वो किसी दिन ना मैंने इन लोगों को भी प्लस्तर करना है। ये असल में पता है क्या, ये नए नए बच्चे हैं, इनको पता है कोई नहीं, अभी अभी आए हैं, कहीं मेरी वीडियोज़ देख ली हैं, इनको लगता है कि यार ये तो चुकू टाइप प्रोग्राम लग रहा है। ना मेरा बेटा ना, हम सिर्फ तारीफ़ करते हैं अच्छी चीज़ की, मलिया मेट करते हैं बुरी चीज़ को, फिर वो कहीं से भी हो। खैर, तुम लोगों की अभी बात समझ में नहीं आएगी, तुम लोगों का इतना जिसे कहते हैं ना आईक्यू लेवल नहीं है। कमिंग बैक टू गौतम गंभीर, वो अपने लड़कों के लिए स्टैंड लेगा, अपने लड़कों के पीछे खड़ा होगा। वो अग्रेसिव हिटिंग मांग रहा है, उसके लड़के अग्रेसिव हिटिंग करते हुए जल्दी आउट हो जाते हैं, बड़ा स्कोर नहीं कर पाते, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो इनको खिलाएगा। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ, वो ये सब काम करेगा, आप देखिएगा। उसने आते साथ ही जो आप देख लें ना, कितने मेजर किस्म के चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, इवन टीम सिलेक्शंस में देख लें, आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई, गौतम गंभीर का सिक्का बोल रहा है, यही चीज़ वो टीम में करेगा। और टीम में मैंने आपको बता दिया, बॉलिंग उसको लगता है, बॉलिंग भी उसने अभी इतना कंसंट्रेट नहीं किया, इसका मतलब है गौतम गंभीर को बॉलिंग से कोई दिक्कत इतनी खास है कोई नहीं, वो बैटिंग को अल्ट्रा अग्रेसिव लेवल के ऊपर लेकर जाना चाहता है, इसी वजह से उसने काम करना शुरू कर दिया। और मेरे नज़दीक ये बाकी टीम्स के लिए अलार्मिंग साइन है, टीम वो तो वैसे ही बड़े कुलाड़े हैं, ठीक है, और ठीक है कभी कभार बीच में वो ज़रा 19-20 कर जाते हैं, लेकिन उनका 19-20 ही होता है, ये नहीं होता कि बीच में जनाब 19,000 का डिफरेंस या 20,000 का डिफरेंस, नहीं। तो आई थिंक सो कि ये गौतम गंभीर जो इनकी अप्रोच चेंज करने लगे ना, ये इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।